मोहम्मद वाल मोहम्मद वजिल फरजहूम। लंगर और न्याज का अहतमाम किया जा रहा है और यहाँ पे मौला अली अकबर और जनाब कासम का न्याज किया जाएगा जश्न के बाद करबला के मैदान में। और यहाँ पे लस्सी, दूध और जो है जूस, वो जो है यहाँ पर लेके जा रहे हैं बैनुल हरमैन में इंशाल्लाह तकसीम करने के लिए। दूध है, आला क्वालिटी का जूस वगैरह है और लस्सी है, इंशाल्लाह बैनुल हरमैन में तकसीम करने जा रहे हैं। बाकी और भी है लेने जा रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको नमाज मगरिब के बाद तकसीम किया जाएगा। जनाब अली अकबर, जनाब का न्याज है इंशाल्लाह। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं लगे के आपसे दुआ करें, सिलसिला जारी रहे। करबला में ज्यारतें भी कराएं, लंगर भी खिलाएं, जूस भी पिलाएं और सबील भी चलाएं इंशाल्लाह। मोहम्मद वाल मोहम्मद, करबला के सितरे पे हम पहुंच चुके हैं और अब हम इंशाल्लाह मौला हुसैन के रोज़े के लिए जा रहे हैं और उलमाए किराम मौजूद हैं और इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ को हैं, खुसूस जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा है नाम लेकर व्हाट्सअप के, वो मोमिन जो हर वक्त दुआ के लिए कहते हैं। मैं इंशाल्लाह करबला में उनके लिए सबके लिए दुआ करूँगा। ये जो प्रोग्राम था सरदार नज़र हुसैन उसकी फैमिली की तरफ से और आगा नासिर और जितने भी मोमिन हैं उनके नाम करबला में लिए जाएंगे, उन सब की तरफ से ये प्रोग्राम है। कनीज़े फातिमा हमारी सिस्टर और जो जो न्याज पहले दे चुके हैं या अभी दे रहे हैं उन सब के नाम लिए जाएंगे इंशाल्लाह। हम करबला में दाखिल हो चुके हैं, ये मौला हुसैन का परचम नज़र आ रहा है और यहाँ से लोग पैदल मौला हुसैन के लिए रोज़े के लिए जाते हैं। आखिरी हद यह होती है, कुछ वहाँ पर भी जाते हैं ज़्यादातर जो है कुछ लोग, और ज़्यादातर जो है उनका मेन रास्ता मौला हुसैन की हदूद में दाखिल हो जाने का करबले का, ये पहला जो है वो रास्ता है। जो मोमिन आते होंगे उनको मालूम होगा और वहाँ पे उस वक्त जो चहलुम का माहौल होता है जब पैदल आते हैं, यहाँ पे दोनों तरफे खेमे होते हैं और क्या निज़ाम होता है, क्या तरतीब, समझ में नहीं आता कि ये कौन सा रास्ता है। यकीन यही लगता है कि ये जन्नत है जहाँ पर खाना पीना ये वो अज़दारी हुसैन, फ़िक्र हुसैन और बहुत ही इबादत करते हुए करबला पहुंचते हैं मोमिन। तो ये नए रास्ते बने वो भी देखते चले, बहुत जल्द मौला हुसैन का रोज़ा हमारे सामने आएगा। और ये बस जो सिलसिला शुरू किया मैंने, दुआ करें जारी रहें और ये आप मोमिन की तरफ से है, मोमिन ने हदिया सेंड किया था न्याज लंगर के लिए और बस के लिए, उनकी तरफ से हम करबला जा रहे हैं। ये बेहतरीन रास्ता बन चुका है ज़ायरीन के लिए, इतना खूबसूरत रास्ता माशाल्लाह शॉर्टकट इन्होंने बनाया है हुकूमत इराक ने। तो इंशाल्लाह दुआ करें इराक, ईरान, शाम और हर वो मुल्क जहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं उनके लिए दुआ को हैं, अल्लाह उनको इत्तेहाद मुत्तहिद होके रहने की तौफीक अता करे। और दुनिया भर के शिया ने हैदर करार की इबादत में ये दुआ। करबला की सरजमीन पर पहुँच चुके हैं, हम जा रहे हैं मौला हुसैन के रोज़े पे। सबसे पहले जैसे इंटर होते हैं दिखाएंगे आपको मौला अब्बास का रोज़ा आता है। करबला की सरजमीन है और थोड़ी देर के बाद कहते हैं जब भी करबला दाखिल हो तो किसी रास्ते भी से आप दाखिल होंगे, सबसे पहले मौला अब्बास का रोज़ा होगा। तो अब दिखाते हैं आपको, जैसे हम इंटर हुए सबसे पहले मौला अब्बास का गुंबद नज़र आएगा इस्तकबाल के लिए, ज़ायरीन के लिए। किसी भी रास्ते से जाएँ करबला में सबसे पहले मौला अब्बास का रोज़ा आएगा। आप दुआ करें अल्लाह पाक कामयाब करें हमें इस सिलसिले में। और मैं चाहता हूँ ये एक बस नहीं उस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, बल्कि नजफ़ से नहीं पाकिस्तान से फिर ही बस लाई जाए, उनको मैं खुद ज़्यारत कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। करबला के उस रास्ते पे दुआ है जहाँ पे कोई दुआ रद्द नहीं होती, तो मेरी यही दुआ है इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम शुरू किया जाएगा। हर वो मोमिन व मोमिना जो नहीं आ सकती उनको मैं करबला लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, बाय एयर भी बाय रोड भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलात पढ़ा बर मुहम्मद व आले मुहम्मद, बुलंदर सलावात सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये देखें आपके सामने, जैसे ही हम मोड़ से मुड़े हैं तो सबसे पहले मौला काजी अब्बास अलमदार का रोज़ा नज़र आया है। ज़ियारत करें, अपनी दुआ तलब करें, मेरी दुआ अगले सफ़र में आप मेरे साथ होंगे और अल्लाह पाक ये ज़ायरीन के लिए रास्ते खोले बेहक अब्बास अलैहिस्सलाम की, आप भी ज़ियारत कर सकें। तो इंशाल्लाह अब जा रहे हैं मौला अब्बास मौला हुसैन के रोज़े पे ज़ियारत के लिए और आप सबके लिए दुआ की जाएगी इंशाल्लाह। मौला काजी अब्बास का रोज़ा यकीनन दिलों को सुकून देने वाला रोज़ा है।
तआला की सरजमीन अल्लाह पाक आपको और आपके बच्चों को नसीब करे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। अगर मौला बात करो अगर नज़र आया है तो ज़रूर ज़बान से सलावत पढ़िएगा, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास। मसल अला मोहम्मद वाल मोहम्मद वजील फरजहूम। इस वक्त हम करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा आपके सामने, करबला में पहुंच चुके हैं और लंगर उन्याज लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह जश्न और ज़ियारत का अहतमाम होगा, मजलिस का भी अहतमाम होगा। आपके सामने मौला हुसैन का रोज़ा परचम यकीनन नज़र आया होगा। या हुसैन ज़रूर कहिएगा एक मरतबा ज़बान से, या हुसैन के नाम आपको करबला लेकर आएगा इंशाल्लाह। चलते हैं इंशाल्लाह, जो प्रोग्राम होगा आपके सामने होगा और आप तमाम मोमिन के लिए दुआ की जाएगी मौला हुसैन के रोज़े पर। हम इंशाल्लाह यहाँ पर कीमा लेके गए न्याज के लिए, लंगर के लिए, और मोमिन को देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मौला हुसैन का रोज़ा सामने है आपके। अल्लाहु अकबर, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, या मौला या सैयदी। मेरे मौला जितने भी देखने वाले हैं हर आँख आपके नज़र करम की तरफ ही है, मेरे मौला मुश्ताक है आपके नज़र करम का। मेरे मौला मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे अज़दार मोमिन आपको सलाम कहते हैं, आपको अरीदा देते हैं, उन सब के सलाम अरीदे कबूल फरमा। या मेरे मौला हुसैन, जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। शब जुमा है जो मैं सिलसिला लेके चलाऊँ मेरे मौला, करबला नजब से करबला तक बस का जो सिलसिला किया है मेरे मौला, मुझे तौफीक अता फरमा। इसको मैं पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के हर मोमिन को जो भी मुश्ताक है ज़्यारत नहीं आ सकता उनको ले आ सकूँ आपके रोज़े पर, मुझे तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। मौला हुसैन का रोज़ा है मेरे मौला, बहुत सारे मोमिन मोमनात व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे मैसेज करके कहते हैं हमारे मौला को सलाम कहना है और कहना मौला हम तड़प गए आपकी ज़्यारत के लिए, तरस गए आपकी ज़्यारत के लिए। मौला उनको इसी साल करबला की ज़्यारत नसीब फरमा, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। जिस जिसने मेरे ऊपर ज़िम्मा लगाया ज़्यारत का, दुआओं का, अरीदों का, सबके अरीदे दुआएँ मुस्तजाब फरमा, उनके घरों की मुश्किल आसान, उन सबको करबला नसीब फरमा। उनके घरों में जो 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 मुरादें हैं, जिन जिन उन्होंने मुझे दी हुई हैं, उन सब की मुरादों को पूरा फरमा। लबैक या हुसैन। इज्तिमाई ज़्यारत के लिए हम जा रहे हैं मौला हुसैन के रोज़े पर, लंगर और न्याज भी लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। आप तमाम मोमिन जिन्होंने हिस्सा लिया है न्याज लंगर में, खुसूसी उनके सब के लिए दुआ की जाएगी ज़री पर इंशाल्लाह। आप सबकी अरीदा मौला हुसैन के रोज़े में पहुँचाई जाएगी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये मंज़र और खूबसूरत ये मंज़र हर वक्त आप तस्वीरों में देखते हैं, आज आपको वीडियो के ज़रिए से भी दिखा रहा हूँ। खूबसूरत मंज़र है ये मौला हुसैन के रोज़े के सामने, ये अलम और मशकीज़ा और तलवारें, और ये ज़रा है खूबसूरत मंज़र आपके सामने। आपके लिए बहुत सारी दुआएँ जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है। अल्लाह जाने आप में से बहुत सारे ऐसे मोमिन होते हैं जिनको पता भी नहीं होता, उनका ज़री पे नाम लेके मैं दुआ करता रहता हूँ। अभी इज्तिमाई ज़ियारत पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम सब मिलकर। मोमिन को भी शामिल कर सकते हैं और हर उस मोमिन को शामिल कर सकते हैं जिन्होंने आपको कहा शब जुमा जा रहे हैं करबला, तो हमें याद रखना। खुसूसन ये मोमिन है जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, जमाल आगा हुसैन, आगा नासिर हुसैन, आगा अमीर हुसैन, शेरबानू बिनते सैयद अहमद हुसैन, एजाज हुसैन, अली एजाज, इबन एजाज, मारूफ बीबी, राना इरशाद हुसैन, सैयद अली सिप्तैन, और यहाँ पर मलका बीबी है उन्होंने दुआओं के, अम्माद हुसैन, जमाल भाई, नज़र अब्बास, इन सब की नियाबत में इंशाल्लाह आपने जो है ज़्यारत पढ़नी है और मौला को सलाम पेश करना है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद को। अल्लाह।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا وارث آدم صفوت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله متى قتلتك ولعن الله متى ظلمتك ولعن الله متى سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في أصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها وأشهد أنك من دعم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر الصفي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوسطى والحجة على أهل الدنيا وشهد الله ملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرع ديني وخاتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلاة الله عليكم وعلى أرواحكم ولا أجسادكم ولا أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت رضية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض ولعن الله متى نسرجت وألجمت وتهيهت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وطيت إلى مشهدك أسأل الله بشأن الذي له لك عند المحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة صلی اللہ محمد و آل محمد میرے مالا میرے آقا یا حسین یا باب دلہ میں خصوصاً المومنین مومنات کے لیے دعا مانگنے آیا ہوں جنہوں نے نیاز میں حصہ لیا ہے اپنے مرحومین کے لیے اور ان کے گھر کے لیے ان کے آل اولاد کے لیے ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں ان سب کے لیے یہ جو نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے جناب سردار نظر حسین اس کی طرف سے ہمارے بھائی جمال حسین آگا جمال آغا حسین آغا ناصر حسین آغا امیر حسین شہربانو بنت سید احمد اعجاز حسین اور زاہد حسین علی اعجاز اور ملکہ بہن اور اس کی سسٹر اس کے پورا گھر والے اور عماد بھائی یو کے سے ان کے لیے خصوصی دعا معروف بی بی اور ان کے پورے خاندان طیبہ سسٹر اور اس کے پورا گھر اور تاج محمد شمیم انیکا اور اس کی پوری فیملی کے لیے دعا اور رانا ارشاد حسین امتیاز حسین بٹی اور جو جو مومنین مومنات جنہوں نے نیاز میں حصہ لیا ہے فرشتہ بی بی اور صفیہ محمدی رضیہ معصومہ سسٹر اور وہ مومنین جن کے نام میں نہیں لے سکا ہوں مجھے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں انشاءاللہ افتخار حسین بھائی اور ہر وہ مومن و مومنہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ پاک یہ نگر و نیاز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ضمیر حسین کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہے سسٹر نے ان کے لیے نیاز کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے پورے گھر والے کے لیے سب کے لیے دعا انشاءاللہ شمس بھائی ضمیر حسین سب کے لیے دعا رکھیل شاہ شبیر شاہ اور اس کی پوری فیملی کے لیے دعا آپ کے سامنے مولا حسین کی زری ہے زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں سامنے ذریعہ مولا حسین علیہ السلام لاکھوں درود و سلام مولا حسین علیہ السلام کی عظمت پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجہم نیابت میں زیارت پڑی ہے اور لنگر و نیاز انشاءاللہ جشن کیا جائے گا جناب علی اکبر جناب قاسم کا اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ مومنین کے لیے دوبارہ دعا کی جائے گی السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد لبیک یا حسین لبیک یا ابوالفضل العباس کربلا میں
जनाब अली अकबर के नाम पे, जनाब कासिम की शहजादे के नाम पर इंशाल्लाह सबील तकसीम की जा रही, इंशाल्लाह जाएगी थोड़ी देर के बाद। अभी बैन अल हरमैन में जश्न होगा मौला कासिम और जनाब अली अकबर का, और उसके बाद फिर ये मौला का लंगर और न्याज जिन मोमिनीन मोमिनात ने किया है उन सब की तरफ से यहाँ पे तकसीम किया जाएगा इंशाल्लाह। इसमें मोमिनीन बहुत सारे शामिल हैं, खुसन हमारी बहन है जिन्होंने कहा है कि नाम लेके आपने दुआ करनी है, उनका हिस्सा है, मैं उनका इंशाल्लाह नाम ज़रूर लेता हूँ। साहब हाजी मोहम्मद जमीर और शम्स जमीर बिनते नुसरत इंशाल्लाह, तो ये उनकी तरफ से न्याज है। उनमें से उनका भी साहब जमाल साहब, उनका भी मलिका हमारी सिस्टर, उनका भी, और जो मोमिनीन पहले या जब भी न्याज में हिस्सा लेते हैं सबको याद किया जा रहा है, हमारी खाला और उसके बाद जो मोमिनी मोमिनात मोहम्मद हनीफ और उसकी पूरी फैमिली के लिए भी दुआ, और उनका भी हिस्सा है इसमें ताज मोहम्मद और उसकी फैमिली, उन सब के लिए दुआ। ये वो मोमिनीन हैं जो हर वक्त से हिस्सा लेते रहते हैं इन न्याज और लंगर में। तो जुमेरात शब जुमाएँ जनाब अली अकबर जनाब कासिम शहजादे का लंगर और न्याज की इंशाल्लाह किया जाएगा, उसकी मुनासबत से तकसीम किया जाएगा। हम जा रहे हैं इंशाल्लाह इसको जश्न के बाद तकसीम करेंगे बैनुल हरमैन के साथ। मौला गाजी अब्बास का बाजू, उसकी भी ज्यारत करें आप। यहाँ पे एक बाजू शहीद हुआ था मौला गाजी अब्बास का, यकीन मेरी इन खिदमात को आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। देखें अगले मरतबा कौन हिस्सा लेता है अगली शब जुमा पे और किसकी तरफ से न्याज होता है इंशाल्लाह देखते हैं। वही कता करता है लबैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। इस वक्त मैं करबला बैनुल हरमैन में मौजूद हूँ, यहाँ पर मौला गाजी अब्बास का रोज़ा आपके सामने है। आप सबके लिए दुआ की जाएगी जनाब अली अकबर का न्याज और जनाब कासिम का न्याज लेकर आए हैं और इंशाल्लाह तकसीम किया जाएगा थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे जश्न चल रहा है जनाब अली अकबर जनाब कासिम अलैहिस्सलाम का, पाकिस्तान के ज़ायरीन मौजूद हैं। और शब जुमा में मैंने सिलसिला शुरू किया था नजफ़ से करबला ज़ायरीन को एक पूरी बस लेकर आने के लिए, वो आगाज़ हो चुका है। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे जनाब अली अकबर का जश्न भी हो रहा है, जनाब कासिम का भी। कुछ ही देर के बाद न्याज की जाएगी इंशाल्लाह, मोमिनीन के लिए दुआ और जो जो कमेंट्स करेगा इंशाल्लाह नाम पढ़ के दुआ की जाएगी। लंगर और न्याज का भी एहतमाम है और आप सबके लिए दुआ मौला गाजी अब्बास के रोज़े पे, मौला हुसैन के रोज़े पे। हमारी बहन मलिका और जनाब जो है सिस्टर मलिका सिस्टर और जमाल भाई उसकी पूरी फैमिली, आगा नासिर जमाल और उसकी पूरी फैमिली, और हमारे दोस्त हैं नज़र हुसैन जिनकी कब्र पे हम गए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, मोहम्मद हबीब और उसकी पूरी फैमिली के लिए, और वो कनीज़ फातिमा हमारी बहन और नुसरत ज़मीर शम्स और दीगर मोमिन मोमिनात जो हर वक्त लंगर और न्याज में हिस्सा लेते रहते हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं। रब्बुल आलमीन आप सबको करबला नसीब करे, आपके बच्चों के लिए दुआ बहुत सारी। क्या बात है जी, लबै क्या हुसैन लबै क्या हुसैन। यकीनन आपका दिल करता होगा इस वीडियो को नहीं बंद किया जाए और आप ज्यारत करते रहे और मैं कराता रहूँ।
बहुत जल्द आपके लिए रास्ते खोलेंगे। आप सबके लिए दुआ है और खुसूसन उनके लिए जिन्होंने नियाज में हिस्सा लिया है। मोहम्मद वाल मोहम्मद लबैक या हुसैन लबैक या मौला गाजी अब्बास अलमदार। यहाँ पर बेहतरीन पाकिस्तानी कीमा नियाज किया गया है। मौला गाजी अब्बास और के रोजे के सामने लंगर और नियाज तकसीम हो रहा है। निसार मुखे भी ये पढ़ रहे हैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। करबला की सरजमीन में आप सबकी तरफ से नियाज किया जा रहा है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए इंशाल्लाह। मोहम्मद हनीफ भाई ताज मोहम्मद भाई और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। शमीम अनिका माहिरा अली सत्तेन भाई मोहम्मद वाल मोहम्मद। इस वक्त मैं करबला में मौजूद हूँ मौला गाजी अब्बास के रोजे के सामने। जनाब अली अकबर का नियाज जनाब कासिम का नियाज किया जाएगा। ये आपके सामने मौला गाजी अब्बास अलमदार कर रोजा जिस जिसने नियाज किया नियाज में शामिल हुआ उनके लिए खुसूसी दुआ आप चला रहे हैं नियाज मौला हुसैन के रोजे के सामने। साजिद अब मौला का नियाज तकसीम करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह जिस जिस मोमिन ने इस नियाज में शिरकत की है जमा लगा और उसकी पूरी फैमिली के लिए दुआ और कनीज़े फातिमा नुसरत बीबी और उसकी पूरी फैमिली मारूफ बीबी तैयबा सिस्टर और राना इरशाद हुसैन और अगले जमेरात में भी किया जाएगा और हर नियाज में जो आगे किया जाएगा जितना भी सब जितने उन्होंने पुराने में हिस्सा लिया है सबको याद किया जाएगा इंशाल्लाह। जो जो नाम मुझे याद हैं बहुत सारे नाम मैं ज़री पे जाके लेता हूँ और जो बहुत सारे नाम जो है नियाज तकसीम करके एक बंदा हूँ संभालना बड़ा मुश्किल होता है तो किसी का नाम ना आए मगर मौला तो जानता है तो मुझे माफ़ कर दें। ठीक है चलते मौला गाजी अब्बास के रोदे के सामने नियाज तकसीम करने जा रहा हूँ।
हम इंशाल्लाह नियाज का सिलसिला जारी आपके सामने लबैक या हुसैन। आप सबके लिए इंशाल्लाह दुआ की जाएगी और नियाज तकसीम करना शुरू कर रहा हूँ मैं अभी।
Thank you.
जा रहा है जनाबी अली अकबर का और जनाब कासिम का आप सबकी तरफ से करबला की सरजमीन में। मेरे दूसरे दोस्त भी नियाज तकसीम कर रहे हैं क्योंकि मैं अकेला काफ़ी नहीं हूं, तो आपकी दुआओं से हर शब जुमा पे यहां पे बेहतरीन तरीके से नियाज तकसीम किया जाएगा।
Hello. Hello. No attempt you. Hello.